मैं स्वागत करता हूँ हमारा आज के सत्कार मूर्ति। हम ये हमारा पांचवा कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है कि हम जो आदमी समाज में सेवा का काम करता है उसी का और सेवा भाव से करता है। हर साल में हम एक डॉक्टर है या कोई सेवा देने वाला है उनका हम एक सत्कार यहाँ पे आयोजित करते हैं। तो हमें आज इस साल में डॉक्टर पराग कुलकर्णी सर हमें सत्कार मूर्ति के तौर पे यहाँ पे हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने हमारा आमंत्रित स्वीकार किया, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारी आयनो की सचिव सत्कार ले रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर पराग कुलकर्णी सर, जिन्होंने एक्यूप्रेशर थेरेपी में प्रसार और प्रचार के लिए अपना बहुत योगदान दिया है। खास करके नागपुर और नागपुर के आजू बाजू का जो भी एरिया है और विदर्भ और ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। उनका सत्कार करने के लिए मैं डॉक्टर अवधेश नंद जी मिश्रा को विनती करती हूँ कि वो मंच पर आए और डॉक्टर पराग जोशी सर का पराग कुलकर्णी सर का सत्कार करें। सबसे पहले इनार की जो संस्थापक है पीसी सर का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व सभी अपने अपने क्षेत्र में ऋषि जैसा उनका योगदान है, सभी को नमन। एक्यूप्रेशर की जो शुरुआत एक्सीडेंटली मैंने 93 से चालू किया था। बेसिकली मेरा एजुकेशन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है और स्पोर्ट्स मेडिसिन में विशेषता है। उसके बाद एक्यूप्रेशर करते करते मैं भी एक नेचुरोपैथी का स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर वी एन माउसकर सर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको प्रेशर देते देते मुझे बोल रहे थे, वर्धा में मैं जाता था नागपुर से रोज सुबह 6 बजे आता था और 1-7 बजे तक होके फिर निकलता था। जब वो थोड़े चलने लग गए थे, बाहर आए तो उन्होंने मेरी गाड़ी देखी MH-31। अरे बोले तू नागपुर से आ रहा है रोज? हाँ सर, आप इतने बड़े ऋषि तुल्य व्यक्ति, आपके संपर्क में मुझे ज्ञान मिले। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है
सिर्फ एक्यूप्रेशर मत करो, नेचुरोपैथी भी करो ताकि आपका इसके लिए बेटर रहेगा। फिर शेंद्रे सर के माध्यम से मैंने वहाँ उसे मैं डीएनवाइस किया। अब सर के हाथ से इतने स्टूडेंट हो गए याद भी नहीं होगा, और बाद में एकलव्य जैसी पढ़ाई करते रहा। और एक्यूप्रेशर जो जब मैं सीखा और प्रैक्टिस कर रहा था तब मैं पता चला कि मैं नेचुरोपैथी का एक धागा संभाल रहा हूँ। अब उस धागे को आगे में रस्सा करना है। और ये एक्यूप्रेशर करते करते बहुत ऐसे अनुभव मेरे जीवन में आए कि वाकई में यदि मैं एक अच्छा डॉक्टर रहता था, सर्जन रहता था, तो वहां तक पहुंच नहीं पाता था। हम लोग एक बार ट्रेन से आ रहे थे, मैं और मेरे मिसेज, एक 3 साल का बच्चा बहुत रो रहा था, और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस थी, वो भोपाल से डायरेक्ट नागपुर में रुकने वाली थी, तो पता चला कि बच्चे को फीवर है। तो मेरा एक्यूप्रेशर में एक ट्रिपल वार्मर का मेरिडियन होती है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन दिया, 12वें मिनट में बच्चा रोना बंद किया, और वो जो है एक आधे घंटे बाद ऑफिस उठा फिर रोने लग गया। तो मिसेस ने बोला कि इसको भूख लग गई है, खाना खिलाया, ऑफिस हो गया, नागपुर में उठ के हंसते खेलते उठा। तो ये जो क्रिया है, ये जो घटना घटती है, प्रेरणा देती है, और हम लोग जो एक्यूप्रेशर के बारे में जो गलत धारणा है उसके लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट सेंटर तो है और हमने इसको बहुत जगह प्रूव भी किया है। बहुत बार जैसे अभी तक हमारा एक रिकॉर्ड है कि अभी तक 18 कोमा के पेशेंट जो है जिनको डॉक्टर ने छोड़ दिया था कि अब कुछ हो नहीं सकता, घर लेके जाओ, हम वहां पे उनको हाथ लगाए हैं और आज वो क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, 18 कोमा के पेशेंट। तब एक जगह ऐसे हॉस्पिटल में मुझे बुलाया गया, बोले यार ये एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी क्या होता है, ये तो सब कुछ नहीं होता है। तो मेरा सटक गया क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ। मैंने बोला आपके पास ईजी की मशीन है, आप लगाइए। उन्होंने लगाया, मैंने पॉइंट दबाया, बोला आप अल्फा रेस देखो, आप मशीन पर बीटा रेस देखो, अब गामा रेस देखो, तो उसमें जब वेरिएशन है तब बोला मशीन पर यदि साइकोलॉजी चलती है तो फिर एक्यूप्रेशर ग्रेट है या नेचुरोपैथी ग्रेट है। तो हमें ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य में एक अनुभव आया 25 सालों में कि हमको ये प्रूव करके दिखाना है, ये तो हम कर ही रहे, प्रूव करके दिखाना है। और धीरे धीरे मैं ये एक्यूप्रेशर करते गया और सब दृष्टिदल्य व्यक्ति महत्व जो है इनके आशीर्वाद से उसमें यश योगदान आते गया। और आज हम लोग जो है कि टोटल विदर्भ में जितने भी नेचुरोपैथिस्ट है हमको जब एक्यूप्रेशर देते हैं तो उनको नेचुरोपैथी के एंगल से ही एक्यूप्रेशर बताते हैं। और दूसरा, मेरे पास जब आते हैं कि मैं नेचुरोपैथी पढ़ाऊँ तो उनको प्रायोरिटी बेस और हम लोग उनको निःशुल्क जो है सेवा देने के लिए व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद। गुरुदेव ऐसी हो दया, जग का अंधेरा दूर हो, सद्धर्म सूरज की प्रभा से दम्भ सारे चूर हो, अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से करे हमें सृष्टि स्वर्ग की। यह उपरांत यह सब विषय लेकर हम ले हैं। तो 3 दिन जो कार्यक्रम चलने वाला है आपके लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और यहाँ पर जो भी सर, पराग कुलकर्णी सर, हम उस दिन गए थे और पराग कुलकर्णी सर 21 शब्द पर बोले और वो पेशेंट ही देख रहे थे, तब रात के 10 बजे वो पेशेंट देख रहे थे। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमें 2 शब्द बताए, हमें मार्गदर्शन किया, आप सभी का यहाँ पर आकर आभार मानते हैं।